अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों, हम बात करेंगे मुंबई बॉलीवुड अदाकार जैकलिन फर्नांडिस और नूरा फतेही के हवाले से, जो कि उनके बारे में आप जानते ही होंगे कि उन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से तकरार चल रहा है, जो कि बात यहां तक के पहुंच सकी है कि हतक इज़्ज़त की केस तक जा पहुंची है। तो हम तफसीलात के साथ आपको बताएंगे इन दोनों के बारे में। जी तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सिलेक्ट कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं तफसीलात के। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैकलिन फर्नांडिस ने अपने खिलाफ साथी अदाकारा नूरा फतेही की जानिब से हतक इज़्ज़त का केस जारहाना अंदाज में लड़ने का फैसला करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का इरादा भी कर लिया। जैकलिन फर्नांडिस के वकील का कहना है कि हम नूरा फतेही की जानिब से दायर किए गए हतक इज्जत के केस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और नूरा फतेही के खिलाफ जवाबी मुकदमा दायर करने का इरादा भी रखते हैं। आपको याद ही होगा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि नूरा फतेही ने जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ 200 करोड़ भारतीय रुपए का हर्जाने का दावा दायर किया है। नूरा फतेही की जानिब से दायर दावे में कहा गया है कि जैकलिन फर्नांडिस ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में झूठे बयान दिए, जिसमें उनकी बदनीयती शामिल थी कि उसका करियर भी बर्बाद हो जाए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह ही भारतीय अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस की जमानत भी मंजूर कर ली थी। तो दोस्तों, आगे कुछ भी कंफर्म नहीं है कि जैकलिन फर्नांडिस और नूरा फतेही के हवाले में या इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्या तकरार चलेगा या ये सही हो जाएंगी, तो इसका कुछ भी कंफर्म नहीं है। जब तक फैसला आ जाता है, जब तक के लिए हम फिर आपको वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस बॉलीवुड स्टार्स के हवाले से आपको मिलती रहें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और अब कमेंट करके हमें अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।